आफ्टरनून फ्रेंड्स, रतिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दियों में बनने वाला गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी हलवाई स्टाइल। अगर आप मेरे तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और आपको मेरे अन्नकूट प्रसाद की रेसिपी कैसी लगी थी वो भी मुझे कमेंट कर मैंने बोला था आप मुझे ज़रूर बताना, पर अभी किसी का कमेंट नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट की ही आवश्यकता होती है, जिसमें गाजर, मावा, काजू, बादाम, और अगर आप किशमिश खाते हैं तो वो भी, और इलायची पाउडर और घी और मिल्क। सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट से आपका गाजर का हलवा रेडी हो जाता है और ये बनाने में भी आसान होता है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं आपको हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा जो आप मार्केट में खाते हैं और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो वो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप गाजर के हलवे पे मुझे कमेंट करना ना भूलना कि आपको कैसा लगा और कितना आसान है बनाना, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपको मोटे तले की आयरन की इस टाइप की आपको कढ़ाई ले लेनी है। अगर आपको दूसरे तरह की कढ़ाई लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें अपन 1 स्पून घी डालेंगे। घी से क्या होता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है गाजर के हलवे का। इसमें गाजर के हलवे में अगर आपको घी ज़्यादा डालना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि कोई सब हेल्थ कॉन्शियस आजकल ज़्यादा होते हैं तो वो घी अवॉइड ही करते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग, अभी तो आप 1 स्पून ही डालिए। उसके बाद आपने जो आपकी गाजर क्रश कर वो घिसी थी वो आप इसमें डाल देंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे। सारी गाजर आप इसमें डाल देंगे। गाजर अभी भी मार्केट में आने लगी है तो मैं हाफ केजी गाजर का हलवा बना रही थी। उसके अकॉर्डिंग जो जो लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी और ज़्यादा कर देना अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, और अगर कम बना रहे हैं, पाव भर का ही बना रहे हैं तो आप कम कर देंगे। जैसे मैं मैश कर रही हूँ वैसे आप इसको मिक्स कर दीजिए। और क्या होता है, जब गाजर पकती है तो गाजर थोड़ी और कम हो जाती है। ये देखिए, आपको लो टू फ्लेम गैस पे ही आपको गाजर का हलवा बनाना है। अब आप इसको मिक्स कर दिया है, अब थोड़ी देर आप इसको ढककर पकने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन दूसरी तरफ एक पैन में घी डालकर जो अपने ड्राई फ्रूट्स है वो रोस्ट कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। देखिए, जैसे मैं रोस्ट कर रही हूँ वैसे आप भी रोस्ट कर लीजिए। इससे क्या होता है, ये अभी जब तक अपनी गाजर पक रही है इसका पानी हट रहा है, जब तक आप एक तरफ गैस चलाकर अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लीजिए। अगर आप किशमिश खाते हैं तो आप इस जगह ये निकाल कर उसके बाद हाफ किशमिश भी आप सॉटे कर लेना। जैसे मैं ये सॉटे कर रही हूँ वैसे आप भी सॉटे कर लीजिए। और एक तरफ अपना गाजर का हलवा पक रहा है, इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है, उसी प्रोसेस से आप करना। देखिए, ये काजू और बादाम सॉटे हो चुकी है। उसके बाद अपन इसको ठंडा होने देंगे
और फिर अपन इसको कटिंग कर देंगे, बारीक कटिंग कर देंगे। अगर आप काजू और बादाम भी नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर अपनी पक चुकी है और देखिए कम भी हो गई है ना। पकने के बाद कुछ इस तरह से आपको गाजर आपकी लगी है। अब थोड़ा सा अपन, जैसे मैं सॉटे कर रही हूँ वैसे आप भी इसको अच्छे से हिला दीजिए। आप 5-5 मिनट्स में इसको हिलाते रहना, ऐसा नहीं कि आप ढककर भूल गए तो वो भी मत करना। ये कारण था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको थोड़ी हैवी तले की कढ़ाई लेना। इससे क्या होता है कि आपकी हलवा चिपकता नहीं है। अब इस स्टेज पे अपन मिल्क डालेंगे। गाजर जैसे भीग जाए उतना आप इसमें मिल्क डाल दीजिए। देखिए क्योंकि मैंने मिल्क इसलिए कम डाला है क्योंकि इसमें मावा भी डलेगा तो ऑलरेडी अपना मिल्क का काम हो जाएगा। अगर आप मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जितनी गाजर है उतना ही आप मिल्क लीजिए। अगर आप 1/2 kg गाजर ले रहे हैं तो 1/2 kg ही मिल्क लीजिए। आपको मिल्क उसमें ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, धीरे धीरे पकेगा और फिर वो मावे का काम आपका कर देगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी, गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और अब इसको ऐसे ही आपको पकाते रहना, हिला हिला कर पकाना है जैसे मैं पका रही हूँ वैसे। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे दूध रड़कर इस हलवे का कलर कैसा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपना दूध, अगर बॉयल दूध आप इसमें डालना जिससे ये अच्छे से और बॉयल होता रहे। सेफली डालना क्योंकि इसके छींटे उड़ते हैं, उस बात का भी ध्यान रखना। अब जैसे उबल रहा है वैसे कंटिन्यूसली आप इसको स्टेयर करते रहिए जैसे मैं कर रही हूँ। गाजर का हलवा किस किस को पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सर्दियों में गाजर का हलवा, सबको बहुत सर्दियों का वेट रहता है कि हमें गाजर का हलवा खाने को मिलेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब ऐसे करते करते आपको हिलाते रहना है और धीरे धीरे आपका मिल्क इसमें कंज्यूम होता रहेगा, कम होता रहेगा, जैसे ये रड़ता रहेगा आपका मिल्क। देखिए फ्रेंड्स, अब दूध थोड़ा कम हुआ है, ऐसे ऐसे आपका दूध इसमें कंज्यूम होता रहेगा और वो मावे का ही काम करेगा, रड़ता रहेगा दूध और ये आपकी गाजर भी इसमें पकती रहेगी। हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत होती है, मेहनत करते हैं तो अपन को रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसलिए आप हिलाते रहें, साइड साइड से अगर जो चिपक रहा है उसको इस तरह से आप चम्मच की सहायता से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप इसको करते रहें और देखना आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और इसका टेस्टी हलवा होगा खाने में, सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दूध अपना ऑलमोस्ट इसमें गाजर में हो चुका है। इस समय खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसमें आपका हलवा ऑलमोस्ट हो चुका है। इस स्टेज पे आप, अगर आपके पास मावा है तो आप वो डाल दीजिए, जैसे मैं मावा डाल रही हूँ वैसे आप भी इसमें मावा डालिए। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं हलवाई स्टाइल बना रही हूँ
तो इसलिए मैं मावा डाल रही हूँ। मेरे पास फ्रेश मावा है, वैसे मावा मैं इसमें डाल दूँ। इस स्टेज पे आप मावा डाल दीजिए और हिलाते रहिए, क्योंकि ये मावा भी लिक्विड फॉर्म में आएगा। कंटिन्यूसली आप हिलाते रहिए, इससे छींटे उठते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए कि सेफली ये काम आपको करना है। अब थोड़ी देर मावा को पकने दीजिए और हिलाते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस समय आपका मावा भी पक चुका है। अब ऐसी इस स्टेज में आपको इसमें एक कटोरी चीनी डालनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैं हाफ कटोरी डाल रही हूँ, आप तो जितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। अब ये चीनी भी पानी छोड़ेगी, उस चीनी के पानी को भी अपन को पकाना है। ये देखिए इस तरह से आपको हिलाते हिलाते देखो पानी हो गया। अब ये पानी अपन को पकाना है। इस स्टेज पे आप अपने काजू और बादाम भी कटिंग कर कर डाल सकते हैं। देखिए मैं भी डाल रही हूँ, आप भी डाल दीजिए। इसे हिलाते रहिए। अब इसके छींटे उड़ेंगे तो आप इसका भी ध्यान रखिए। कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है जैसे मैं कर रही हूँ। चिपके तो साइड साइड से हटाना है। देखिए फ्रेंड्स, अपना गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। ये देखिए घी भी उसने छोड़ दिया है। ये देखिए कढ़ाई भी आपकी छोड़ दी है। इट्स मीन्स आपका गाजर का हलवा हलवाई स्टाइल रेडी है। अब मैं आपको सर्विंग कर कर बताती हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी गाजर की हलवे की रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको अभी सर्विंग कर कर बताती हूँ। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया गाजर के हलवे का, एकदम आया है ना रेस्टोरेंट स्टाइल, मार्केट स्टाइल। जो आप इतना महंगा गाजर का हलवा बाहर से खरीद कर लाते हैं आके खाते हैं, ऐसे आप घर पे भी आप फ्रेश बना सकते हैं। मैं आपको सर्विंग कर कर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म गाजर का हलवा रेडी है। आप मैंने एंड में इलायची पाउडर भी डाला था, पर मैं जल्दी जल्दी में आपको, जब आपका पूरा हलवा बन जाए उसके बाद आप इलायची पाउडर डालकर आप उसको मिक्स कर दीजिए और सर्विंग कर कर मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे कमेंट कर कर बताना कि आपको गाजर का हलवा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब मैं हर सैटरडे आपको न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज़ आप उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाना। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय, टेक केयर।